कारगिल युद्ध पर बनी है शानदार फिल्में। फिल्मों में दिखी हमारे वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा। कारगिल युद्ध में भारत की विजय गाथा कई जाबाजों की कुर्बानी का सार है। दर्द की चुअल और विजय का उल्लास है कारगिल युद्ध। इन फिल्मों में दिखाई गई है देश के जवानों की वीर गाथा। आपको बता दें कि किसी भी देश के लिए उसके सच्चे नायक उसके सैनिक होते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों ने भी कई मौकों पर अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लड़कर हमें विजय दिलाई है। ऐसा ही एक तारीख भारतीय इतिहास में अमर हो चुका है, वह तारीख है 26 जुलाई 1999। भारत और पाकिस्तान के 20 साल 1999 में लगभग 60 दिनों तक युद्ध चला, जिसका अंत 26 जुलाई को भारत की जीत के साथ हुआ। इन विजय गाथा पर कई फिल्में भी बनी हैं, जिसने दर्शकों को सैनिकों के इस शौर्य गाथा से परिचय कराया है। सबसे पहले शेरशाह। कारगिल युद्ध पर बनी यह सबसे नवीनतम फिल्म है। 12 अगस्त 2021 को रिलीज अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज इस फिल्म में कारगिल युद्ध के नायकों में से एक कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाई गई थी। यह कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए खुद को न्योछावर कर देने वाले उस महान योद्धा की बायोपिक फिल्म है। कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें कोड नेम शेरशाह दिया गया था, जिसके ऊपर फिल्म का शीर्षक रखा गया है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। दूसरा, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। वर्ष 2020 में रिलीज हुई फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल भी इस युद्ध पर आधारित फिल्म है। फिल्म भारतीय वायुसेना की पायलट गुंजन सक्सेना की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में जानवी कपूर ने गुंजन सक्सेना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी भी नजर आए थे। लक्ष्य। साल 2004 में रिलीज हुई यह फिल्म कारगिल युद्ध के ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। फिल्म में ऋतिक रोशन लेफ्टिनेंट करण शेरगिल की भूमिका में हैं, जो अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों पर विजय हासिल करते हैं। इस फिल्म को फरहान अख्तर ने निर्देशित किया था। फिल्म में ऋतिक के अलावा प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी, ओम पुरी आदि कलाकारों ने काम किया है। एलओसी कारगिल। एलओसी कारगिल साल 2003 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म कारगिल युद्ध पर आधारित है, जिसमें भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल करने की यात्रा दिखाई गई है। फिल्म में संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, मनोज बाजपेयी आदि कलाकार नजर आए थे। तो हमारे चैनल पर खबरों का सिलसिला इसी तरह बना रहेगा। अगर आपको हमारी खबर यानी कि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इसे कर दीजिए लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।